श्वेतरा ने तोड़ा रॉकी का बनाया माया जाल, रॉकी हुए अपने मकसद में नाकामयाब। जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पिशाचिनी में आप देखेंगे कि कैसे रानी और पवित्रा के बीच हुई लड़ाई में पवित्रा हो जाएंगी जख्मी, जिससे खून की बूंदे रॉकी के ऊपर गिरने पर रॉकी नींद से जाग जाएंगे और रानी के साथ कमरे से बाहर निकल जाएंगे, जिसे देखकर पूरा राजपूत परिवार होगा हैरान। इसी के साथ पवित्रा ये सोचेंगी कि किस तरह उनका प्लान फेल हो गया, रॉकी को इंसान बनाने का तरीका फिर से डिले पड़ गया, जिसके कारण पूरा राजपूत परिवार एक तरफ जहां शादी की तैयारी करते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रानी और रॉकी रखेंगे राजपूत परिवार में नजर, जबकि पवित्रा और नाशक यानी कि पवित्रा की मौसी पूरे राजपूत परिवार को काम के ही बीच में हथियार देती नजर आएंगी। ये प्लानिंग करती नजर आएंगी कि आखिर वो किस तरह शादी को रोक सकते हैं और कैसे कर सकते हैं रानी का चैप्टर क्लोज। लेकिन इसी बीच पिशाच बेबी को आ जाएगा गुस्सा, जिसके कारण पिशाच बेबी नाशक का हाथ पकड़ लेगा, पर जैसे ही पवित्रा पिशाच बेबी को मनाएंगी वैसे ही पिशाच बेबी नाशक का हाथ छोड़ देगा, जिसे देखकर पवित्रा की मौसी होंगी हैरान। जबकि दूसरी तरफ रानी और रॉकी पवित्रा की चाल जानने के लिए उनके पास भेजेंगे नकली नाशक यानी कि पवित्रा की मौसी को, जो जख्मी होने का नाटक करेंगी और पवित्रा का प्लान उगलवाने की कोशिश करेंगी। लेकिन पवित्रा समझ जाएंगी कि ये पहले ही की तरह एक छलावा है और पवित्रा कुछ बताए उससे पहले ही वो कहेंगी कि उन्हें पता है कि वो एक सिर्फ झूठ है और उनका प्लान जानने आए हैं, जिसके कारण रॉकी और रानी अपने प्लान में फेल हो जाएंगे। पर रॉकी ये कहते नजर आएंगे कि आखिर पवित्रा कर ही क्या लेंगी, क्योंकि शादी को बस एक ही दिन बाकी है। तो वही दूसरी तरफ नाशक और पवित्रा तैयार होंगे रॉकी और रानी पर अगले वार के लिए। वेल, अब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पवित्रा अपने इरादों में हो पाएंगी कामयाब। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।